ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा एक स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाला है एनडीए एग्जामिनेशन के लिए। एनडीए एग्जामिनेशन में सिर्फ अब 2 हफ्ते बचे हुए हैं। आज 1 नवंबर है 2021 का और 14 नवंबर को आपका एनडीए का एग्जामिनेशन है चिल्ड्रंस डे के दिन में। तो इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ एनडीए एग्जामिनेशन को किस तरीके से आप लोगों को क्रैक करना है, क्योंकि मैंने एनडीए की प्रिपरेशन जीरो प्रिपरेशन में एनडीए एग्जाम को क्रैक किया था। मेरा एनडीए एग्जाम एनडीए में मेरा जाने का एग्जाम क्रैक करने का कोई भी ऐसा प्लानिंग नहीं था। मेरे कुछ सीक्रेट स्ट्रैटेजीज, टिप्स, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में आप लोगों को बताई है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोग एनडीए एग्जाम को लास्ट के कुछ दिनों में आप लोग क्रैक कर सकते हो, कम मेहनत में क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है जिससे आप लोग एनडीए एग्जाम को थोड़ा सा अच्छे से क्रैक कर पाओगे। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार बात करते हैं मेरी स्टोरी थोड़ी सी, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो एनडीए एग्जामिनेशन मैंने 2017 में क्रैक करा था। एसएसबी के लिए मैं नहीं गया था, राइट। मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला था कि यार एनडीए का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो मैं उसके कहने पर एनडीए का एग्ज़ाम देने गया था। जीरो प्रिपरेशन में मैं गया था एनडीए का एग्ज़ाम देने के लिए और मेरा जो स्कोर है वो 350 या 400 के इस रेंज में कहीं आया था, विदाउट सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी चीज़ों की मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, ठीक है ना। सो एकदम जीरो प्रिपरेशन, उठ करके उस दिन चला गया था मैं और एग्ज़ाम क्रैक हो गया था। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग हो सकता है प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होगे, तो आप लोगों के लिए क्रैक करना एग्ज़ाम और भी ज़्यादा आसान है। स्पेशली अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप अगर साइंस और ये सारी चीज़ें, मैथ्स, फिजिक्स, ये सारी चीज़ें अगर जानते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बट जो स्टूडेंट्स सोशल साइंस बैकग्राउंड से है ना, उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अगेन वहाँ पर हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पोर्शन आ जाता है। तो ऐसा डिस्टिंग्विश करना गलत है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा फील हुआ था कि मेरे लिए ईजी था साइंस वाला पार्ट, बट जो मेरा फ्रेंड था उसके लिए थोड़ा ईजी था सोशल साइंस वाला पार्ट, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन कौन से कैटेगरी से आप हो, आपके लिए जो है इजी टफ सारी चीज़ें हो सकती है। बट ओवरऑल इन जनरल मैं आपको बताऊं एनडीए का एग्जाम क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, राइट। तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यार यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव कोर्स का आप लोगों को पोस्टर दिख रहा होगा। ये कोर्स बहुत हेल्पफुल है, बहुत मेहनत से बनाई गई है, 199 का सिर्फ ये कोर्स। अगर आप ये कोर्स मिस कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, सच बात बता रहा हूँ, आप बहुत कुछ यहाँ पर जो है मिस कर रहे हो। एक अफोर्डेबल कोर्स है 199 का, इसके अंदर में आपको स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी, मेरी स्टोरीज बताई जाएंगी कि मैं कैसे एनडीए एग्जाम को 0% प्रिपरेशन में क्रैक किया था, क्यों मैं एनडीए एग्जाम देने गया था, सारी चीजें, किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से अगर आपका स्कोर 200-300 के रेंज में अटका हुआ हो, किस तरीके से आप 400 प्लस लेकर के जा सकते हो, किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आप लोग लगा सकते हो। 2021 का जो फेज वन का एनडीए का पेपर था उसमें ट्रिक्स लगा करके आप लोगों को दिखाया गया। 5 एपिसोड टोटल आप लोगों को मिलेंगी। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, यहां पर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को पिंड कमेंट में व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्टली आप हमारे टीम को व्हाट्सअप कर पाओगे, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करोगे, आप ईमेल करोगे, आपके जो ईमेल आईडी है उसी पे आपको कोर्स सेंड कर दिया जाएगा कुछ ही घंटों में, मतलब 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है कोर्स मिल रहा होगा, उसको जल्दी से आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, 1-2 घंटे के अंदर सारी चीजें समझ सकते हो, उसको मॉक टेस्ट में अप्लाई कर सकते हो और अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा जो स्कोर बूस्टअप कर सकते हो। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एनडीए के लिए, दिस इज अ गेम चेंजर कोर्स फॉर यू, ट्रस्ट मी, दिल से मैं आपको ये बात बता रहा हूं। अब बात करते हैं हमारे पास में कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ के। तो सबसे पहला हमारे पास में ये है कि आपको इमीडिएटली, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं लेकिन उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं होते हैं। मैं भी उनमें से एक था जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे पास नहीं होते थे, बट मेरा रीज़न दूसरा था, क्योंकि मुझे एनडीए एग्जाम क्रैक करने की ऐसी कोई गरज नहीं थी, राइट, क्योंकि मेरे को जेई नीट इस फील्ड में जाना था, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना था, तो मैंने एनडीए बस ऐसे ही दे दिया था। लेकिन आप सारे बच्चे जो एनडीए के लिए सीरियस होना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो आपके पास में उसको सॉल्व करो। अगर आपके पास में बाई एनी चांस नहीं है तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये जो व्हाट्सअप नंबर है ना यहाँ पर, इस व्हाट्सअप नंबर पे और डिस्क्रिप्शन में जो आपके पास में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, एग्जैक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग एनडीए का क्वेश्चन पेपर्स मांग सकते हो हमारी टीम से। हमारी टीम आपको एनडीए का लास्ट 2-3 साल का पेपर्स भेज देगी। अगर आप ऑनलाइन सर्च नहीं कर पा रहे हो तो हमारी टीम आपको सही क्वेश्चन पेपर भेज देगी लास्ट 2-3 सालों का। उसी से मैं जो है वीडियोज़ भी बना रहा हूँ, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियोज़ भी बना रहा हूँ। तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना और एनडीए का क्वेश्चन पेपर लास्ट 3 साल का ले लेना। बस लिख देना रिक्वेस्ट टू सेंड एनडीए क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, हमारी टीम आपको भेज देगी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी यूट्यूब वाली जनता के लिए ये चीज़ हम कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास में यहाँ पर ये चीज़ है कि आपको जो ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की जो प्लेलिस्ट है एनडीए की, जो मैंने बनाई है यूट्यूब पे, सर्च करो एनडीए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बाय आयुष राठी, प्लेलिस्ट दिखेगी आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा मैं प्लेलिस्ट की, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। उसमें एनडीए 2018 के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, अब 19 और 20 के भी मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूं, और 2021 के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने पेड कोर्स के अंदर में लिए हैं। सो दैट सीरीज इज अ गेम चेंजर फॉर यू, उसको आप लोग जरूर से देखो। रोज 4-5 वीडियो भी देखोगे तो आप लोगों का काम हो जाएगा, 4-5 भी नहीं, रोज 2 भी देखोगे तो भी आप लोगों का काम
हो जाएगा। तो 14 दिन है, जितने भी दिन बचे आपके पास में, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब से देखना स्टार्ट करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको ज़रूर से देखो, और साथ में इफ पॉसिबल पेड कोर्स भी आप लोग ले लो, तो उसमें आपको 2021 के भी जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेटेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और साथ में पूरी की पूरी टेक्निक्स कैलकुलेशंस के हिसाब से आपको पता चलेगा किस तरीके से आपको एनडीए में अपना स्कोर को 100, 150 नंबर, 200 नंबर बढ़ाना है। इसके बाद में हमारे पास में 3 और इंपॉर्टेंट टिप्स आ जाते हैं, जिसमें से पहला होता है टाइम। जिस टाइम पर आपका पेपर है, जो आपका ऑफिशियल टाइम है, उसी टाइम पर आपको घर के अंदर में पेपर देना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट देते हैं, कभी रात को दे रहे हैं, कभी कहीं दे रहे हैं, आपको जिस टाइम पे एग्जाम होने वाला है उसी टाइम पे आपको घर के अंदर भी मॉक टेस्ट देना है। ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जल्दी समझ लो। दूसरा हमारे पास में ये है खाने को लेकर के। आप लोगों का एग्जाम 2 पार्ट में, एक आपका मैथ्स है, एक आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट है। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है दोपहर को लंच करने की, तो वो आदत आपको थोड़ी सी सुधारनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि उस दिन, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, उस दिन आप क्या खाने वाले हो। अगर आप एक चॉकलेट खाने वाले हो उस दिन, तो अभी से आपको चॉकलेट दोपहर को खाने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप चावल खाने वाले हो वहां पर उस दिन ब्रेक टाइम में फॉर कहीं से जुगाड़ करके अगर आप चावल खा पाओगे, तो आपको घर में चावल खाना है। अगर आप घर में हैवी खा रहे हो, नेक्स्ट 14 डेज लंच में आप अगर हैवी खा रहे हो और वहां पर उस दिन आपको वो हैवी लंच नहीं मिले, तो आपका जो दूसरा पेपर है जो आफ्टरनून के बाद होगा, है ना, वो आपका गड़बड़ हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखो, 2.5 घंटे आपका पेपर है, फिर ब्रेक के बाद फिर से 2.5 घंटे आपका पेपर है। तो ये चीज जरूर से आप लोग ध्यान रखो कि आप अपने फूड हैबिट्स को अभी से सुधार लो। जो भी चीजें आप लोगों को खानी है ना, आप लोग जब एग्जाम देते हो तो एग्जाम से घर आने के बाद में खाते हो जनरली, तो अभी से अगले 14 दिन तक वही वाला पैटर्न आप लोग बना लो। तो उस दिन आपको जो है दोपहर को नींद वींद नहीं आएगी, आपको एनर्जेटिक फील होगा, वरना आप अभी खा रहे हो उस दिन नहीं मिलेगा, तो उस दिन आपको एनर्जी कम फील होगी आपके बॉडी में। इसके अलावा एक लास्ट चीज और है, कपड़ों से रिलेटेड। बहुत सारे लोग होते हैं जो घर में मॉक टेस्ट दे रहे हैं हाफ पैंट पहन करके और वहाँ जा रहे हैं जीन्स और जूते में, तो इससे क्या होता है ना, उस दिन आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। तो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं ना, तो उसी टाइम पे प्रेशर को फील करा करो। घर में ही आप प्रॉपर कपड़े पहन के, प्रॉपर जीन्स पहन के, प्रॉपर जूते पहन करके घर में ही आप मॉक टेस्ट दो। उससे क्या होगा, आपको वो प्रेशर फील होगा, प्रॉपर चेयर पे बैठ करके प्रॉपर पोस्चर में, है ना, आराम आराम से नहीं, घर में आप प्रॉपर टफनेस के साथ में जो आप एग्जाम दोगे ना, तो आपको समझ में आएगा 2.5 घंटे बैठना कैसे है। वो 2.5 घंटे बैठना, वो भी 2 बार, 2 शिफ्ट आपका एग्जाम, एक मैथ्स है, एक जनरल एबिलिटी टेस्ट है, वो भी बहुत टफ काम होता है। तो वो चीज़ को आपको अभी से ध्यान में रखना है, घर में प्रॉपर पहनावे के साथ में बैठो, इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। सबसे पहला क्या था, मैं रिवाइज करा देता हूँ। पहला आपको उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर नहीं हैं, व्हाट्सअप करो, हमारी टीम आपको फ्री में भेज देगी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 3 साल के। उसके बाद में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखनी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फ्री है, यूट्यूब पे देखो उसको आराम से जाकर के, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, डेली 2-3 एपिसोड देखो। उसके बाद में 3 चीज़ें हैं, एक सेम टाइम पे एग्जाम दो जिस टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला है, दूसरा है खाना पीना उसी तरीके से करो जैसा आप उस दिन करने वाले हो, और लास्ट हमारा है वही कपड़ा पहन के टेस्ट दो जो आप उस दिन पहनने वाले हो। उस दिन फॉर्मल पहनोगे तो घर में कैजुअल पहन करके टेस्ट मत दो। अगर आपके पास में उस दिन थोड़ा सा पानी रहेगा पीने को, तो घर में भी टेस्ट देते वक्त थोड़ा सा ही पानी पियो। ये नहीं है कि गटक रहे हैं, पकौड़ियाँ खा रहे हैं, टेस्ट देते समय ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। जैसा सिनेरियो उस दिन रहेगा उसी तरीके से आपको जो है अगला 14 दिन बिताना है, या फिर जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो 5 दिन पहले देख रहे हो, तो 5 दिन भी उस तरीके से बिताना है। लास्ट में वंस अगेन आई रिमाइंड यू, कोर्स बहुत अच्छा बना है, सिर्फ 199 का कोर्स है, और उसमें सारे सीक्रेट्स हैं, कैलकुलेशंस आपको बताए किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, ताकि आपका स्कोर 200-300 में अगर अटका हुआ है तो उसको बढ़ा करके आप 400 प्लस ले जा सकते हो। तो यहां पर आप लोगों को दोबारा से मैं पोस्टर दिखा देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ क्लिक करना है, पेमेंट कंप्लीट करना है, डैट सेट आपको कोर्स 2 घंटे के अंदर में हमारी टीम भेज देगी, ठीक है। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।